बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को तहफ्फुज़ देना, हिफाजत देना, ठीक है। अब बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व किया जा सकता है देखें, जैसे जैसे हमारी बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज कर रही है तो इसके पीछे जब हम रीज़न देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्यों डिक्रीज कर रही है, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, इंसानी सरगर्मियों की वजह से, जैसे कि इंसानों की पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, लोग शिकार ज़्यादा करते हैं, इंडस्ट्रीज ज़्यादा बढ़ गई हैं उनके कारखानों की वजह से, केमिकल पोल्यूटन की वजह से, तो ये कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी दिन ब दिन कम होती जा रही है। अब हमारे पास स्पीशीज़ जो कम होती जा रही हैं उनके कुछ स्टेटस होते हैं, उन स्टेटस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है एक्सटिंक्ट स्पीशीज। एक्सटिंक्ट स्पीशीज ऐसी स्पीशीज होती है जो कि इस दुनिया से, सॉरी इस अर्थ ज़मीन से बिल्कुल टोटली ख़त्म हो चुकी होती है। द स्पीशी डैट नो लॉन्गर लिव्स एनी वेयर ऑन अर्थ, ठीक है, कि अर्थ पे, ज़मीन पे कहीं पे भी कोई स्पीशी वो मौजूद ना हो उसको हम एक्सटिंक्ट स्पीशी बोलते हैं। जैसे कि डायनासोर है तो उसको हम एक्सटिंक्ट स्पीशी बोलते हैं, ये टोटली ख़त्म हो चुके हैं। नेक्स्ट है इनडाइजेंट स्पीशी। इनडाइजेंट स्पीशी ऐसी स्पीशी होती है जो कि एक्सटेंशन के डेंजर में हो, ठीक है, जिसको ये खतरा हो कि वो अब ख़त्म हो जाएगी, जिसको रेड लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है कि ये स्पीशी अब ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। जैसा कि लाइन के बारे में, शेर के बारे में कहा जाता है कि ये अब ख़त्म हो जाएगा, ये एक इनडाइजेंट स्पीशी हो चुकी है। थ्रेटेंड स्पीशी। थ्रेटेंड स्पीशी ऐसी स्पीशी होती है जिसके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि नियर फ्यूचर में, आने वाले टाइम में, इस स्पीशी को भी इनडेंजर्ड बोल दिया जाएगा, ठीक है। दैट इज लाइकली टू बिकम इनडेंजर्ड इन नियर फ्यूचर, कि आने वाले मुस्तकबिल में, आने वाले टाइम में इस स्पीशी के बारे में भी बोला जाएगा कि ये स्पीशी भी इनडेंजर्ड हो जाएगी, इसके बारे में भी ये कह दिया जाएगा कि अब ये ख़त्म होने के करीब है, ठीक है। अब ये हमारे पास स्पीशीज के कुछ स्टेटस हैं। एक्सटिंक्ट स्पीशीज जो टोटली ख़त्म हो चुकी होती है, इनडेंजर्ड जो ख़त्म होने के करीब है, थ्रेटेड ऐसी स्पीशीज जिसके बारे में फ्यूचर में बोला जाएगा कि ये ख़त्म हो सकती है। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी किसको बोला जाता है? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऐसे स्टेप्स होते हैं, ऐसे इकदाम होते हैं जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, अपनी बायोडाइवर्सिटी को ज़मीन पर सेफ करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को ज़मीन पर कैसे सेव कर सकते हैं? सबसे बड़ी चीज़ जो उनके ख़त्म होने का सबब बन रही है, उनका हैबिटेट, उसको तबाह ना किया जाए, ठीक है। तो अगर हम उनके इकोसिस्टम को, हमारे अपने इकोसिस्टम को, जो कि नेचुरल इकोसिस्टम है, उसको प्रॉपर फंक्शनिंग रखेंगे, प्रॉपर तरीके से रखेंगे, अपने इकोसिस्टम को गंदा नहीं करेंगे, डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, तो इससे हमारी बायोडाइवर्सिटी कम हो सकती है, सॉरी बायोडाइवर्सिटी हमारी कंजर्व हो सकती है। कंजर्व होने का मतलब है कि उसको तहफ्फुज़ मिल सकता, ठीक है। ये था हमारे पास आज का लेक्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।